इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंद्रनगर अजमेर। सम्यक दृष्टि कैसा होता है, कैसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपना श्रद्धान डगमग नहीं होने देता। जिसका श्रद्धान सही है उसका ज्ञान युगपत होते हुए प्रकाश दीपक ते होई। इसको दो क्षण नहीं लगते हैं कि पहले श्रद्धान होगा फिर ज्ञान होगा। जैसे ही श्रद्धान होगा वैसे ही ज्ञान होने लगता है। आप कहीं किसी फंक्शन में जाएं और वहाँ पर हजारों लोग हों और कोई कह दे ये वही लड़की है जो तुम्हारे घर में बात चल रही है, आप बताओ तुम्हें हजार लोग दिखेंगे कि वही लड़की दिखेगी? वही दिखेगी। कैसे चलती है, कैसे हंसती है, कैसे बोलती है, कैसे खाती, तुम्हारा पूरा आकर्षण का केंद्र वो होगी, क्योंकि तुम्हारा अब ज्ञान उसके प्रति केंद्रित हो गया। हमारा ज्ञान भी जिस दिन परमात्मा के प्रति केंद्रित हो जाएगा तो कैसा आचरण हो, उनका आचरण कैसा था। एक बार हमारे अंदर ये विश्वास तो आए, अभी तो विश्वास ही कहना पड़ेगा क्योंकि श्रद्धा तो जानते ही नहीं। श्रद्धान वो है जिसके लिए जान भी कुछ नहीं लगे, जिसके आगे जीवन भी तुच्छ लगे, वो श्रद्धा है। यहाँ विश्वास भी होता है पति पत्नी पर, तो क्या होता है विश्वास, जिसमें विश्व का हो वास और ना जाने कब टूट जाए पता ही नहीं चले। आपको पता है पति पत्नी बहुत विश्वास हो और एक आध कोई पुराना लेटर मिल जाए पत्नी का, बताओ। पति खूब अच्छे प्यार से उसकी अलमारी जमा रहा हो और एक पुराना लेटर बस मिल जाए, हो गए 5-7 साल भी हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, अभी तक अब कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन पुराना मिल जाएगा तुरंत बदलाव आ जाएगा। क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे होगा, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हमारी आंखें सम्यक दर्शन को बहुत कठिन समझती हैं। ध्यान रखना, क्रोध मान माया लोभ सब जब तक ही है जब तक मिथ्या दर्शन है। क्योंकि रैन सार में बड़ी अच्छी बात कही है कि सम्यक दृष्टि एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं गमाता है, एक क्षण भी विकथा में नहीं गमाता है, व्यसनों में नहीं गमाता है, निंदा चुगली में नहीं गमाता है, और कोई पाप का आचरण नहीं करता है। उसकी ग्रस्त की क्रियाएं भी उसका पुण्य का आचरण हो जाती है। पुण्य का आचरण इसलिए हो जाती है कि अंदर में आस्था है कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरा नहीं है, मुझे करना पड़ रहा है, पर्याय जन्य क्रिया है, मैं तो इससे हटकर शुद्ध त्रैकालिक शुद्ध आत्मा होने का लक्ष्य होना चाहिए। पाया नहीं बात अलग है, लेकिन पाना वही है। ऐसा जिस दिन विचार आ जाएगा उस दिन सच मानना, घर में रहते हुए तुम घर में नहीं रहोगे और ज्ञान तुम्हारा सम्यक ज्ञान हो जाएगा। कैसा सम्यक ज्ञान होता है, पदार्थों को यथार्थ समझता है, आश्रव और बंद को दुख का कारण समझता है, चाहे वो पुण्य आश्रव हो चाहे पाप आश्रव हो। पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, ये पुद्गल पर जे उपज विन से थिर नाही। तो ये किसने कहा है, कहा है भगवान ने कहा है कि पुण्य का उदय आता है तो हम फूल जाते हैं और पाप का उदय आता है तो हम भूल जाते हैं, पाप के उदय में रोते हैं बिलकते हैं। ये तो रहट है, पानी की रहट है, पंखा एक के बाद एक पाखुड़ी आ रही है। अमावस्या को लोग पसंद नहीं करते, पूर्णमासी को प्यार करते हैं, लेकिन अमावस्या नहीं होगी तो पूर्णमासी कहाँ से आ जाएगी। लोग रात को नहीं चाहते, अंधेरे को नहीं चाहते, दिन को चाहते हैं, लेकिन रात नहीं होगी तो दिन कैसे होगा।
यदि दुखों में इंसान की परीक्षा होती है, दुखों में एक नहीं अनेकों, सहे अंजना चंदना दुख जेते, गए भाग सारे जरा नाम लेते। उन्होंने भगवान से ये नहीं कहा था दुख दूर कर देना, उन्होंने यही कहा था कि ऐसी परिस्थितियों में मुझे, मैं विचलित ना हो जाऊं, मेरी आस्था खंडित ना हो जाए। और आस्था का प्रतीक देखो, हर बाप अपनी बेटी का जन्म से कितना शुभ चिंतक होता क्या है, बेटियां जन्मतेगी पराई होती हैं, बड़ी होती है तो सगाई होती है, और एक दिन होता है डोली में बैठकर विदाई होती है। बेटियों के पंख नहीं होते, लेकिन बेटियां परी की तरह होती हैं, बेटियां बरसात के छाते की तरह होती हैं। पीहर में जाएं तो लोग पराई कहते हैं, और ससुराल में जाएं तो पराई जाई कहते हैं, सारा बोझ ढो लेती हैं, बड़ों से कुछ नहीं कहती हैं, भाई के टूटे खिलौनों से खेल कर भी मुस्कुरा लेती हैं, किसी का घर बसा देती हैं, सारे बोझ को अपने कंधों पर उठा लेती हैं। फिर भी दुनिया कैसी है जो कहती हैं बेटियां बोझ होती हैं, बेटियां बोझ होती हैं। लेकिन आजकल बड़े उल्टे सीधे गाने चल गए, अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से ना रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने की कैसी कलम हुई है, उसके मिलने से तो सारे रिश्ते बनेंगे और तू पहले ही तोड़ने की बात कर रही है। अरे वो मिलेगा तो रिश्ते बनेंगे, कोई सास कोई जिठानी कोई ननद कोई भांजी कोई ससुर सास सब बनेंगे, और तू पहले ही तोड़ने का नाता बना रही है। ध्यान रखना, तुम नाता तोड़ोगी, कभी कभी लोग बोलते खाना नहीं बनाएगी मेरी बेटी, चूल्हा नहीं जलाएगी मेरी बेटी, मैंने कि खुद जल जाएगी। ध्यान रखना, जितना बच्चों को काम सिखाओगे, जितने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओगे, उतने बच्चे टेंशन से मुक्त होंगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। पहले 8 साल की बच्ची को पूजा पाठ सब कुछ आता था, और खासकर बड़ों को पानी भी देती थी तो हाथ लगा के देती थी, ऐसे सीधे हाथ से नहीं देती थी। रोटी भी लोग परोसते थे तो तोड़कर परोसते थे, ताकि बड़े लोगों को तोड़ना ना पड़ जाए। कभी महिलाएं चलती थी तो इतने धीरे पैर रखती थी ताकि बड़ों को एहसास नहीं हो कि बहू बेटियां घर में हैं। आप ध्यान रखना, हम लोग सोचते हैं बहुत विकास किया। आज होटलों में बेटियां दिखाओगे तो बेटियां जिंदगी भर होटल ही देखेंगी, तुम्हारा घर क्या खाक देखेंगे। नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आपकी बच्चियों को एक आस्था, जिसने पद्म पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ा होगा, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकते हैं। उसकी बच्चियां कभी किसी छोटी मोटी परिस्थितियों से नहीं घबरा सकती हैं, क्योंकि आपने अंजना का पढ़ा होगा, अंजना का मैना सुंदरी का, कि बेटी जन्मते ही पराई होती है। कितनी उम्मीदें होती हैं, जब से जन्मती है तब से कल्पना होती है बाप की, कि ऐसा जमाई आएगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा लिखाऊंगा, ये बनाऊंगा। सच मानना, बेटों के प्रति इतना एहसास नहीं होता जितना बेटियों के प्रति होता है। लोग कहते हैं बेटियां बड़ी, बेटे बड़े पुण्य से मिलते हैं। मैं कहती हूँ बेटियां बड़े पुण्य से मिलती हैं, क्योंकि साइंस कहती है जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुत्र जन्म होता है, माने बेटे का जन्म होता है, और जब 24 और 24 सेल मिलते हैं तो कन्या भ्रूण का, यानी कन्या का जन्म होता है। तो बताओ आपके घर में एक शक्तिशाली, एक शक्ति ज़्यादा है महिलाओं में, तभी तो सहनशीलता है, गृहस्थी बसाने की, दूसरों को अपना बनाने की दया करुणा प्रेम, ऐसी भावना है बेटियों को। क्योंकि कहते हैं कि नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। क्योंकि
आप नारियों को वो शक्ति दो कि पुनः हमारे यहाँ तीर्थंकर नहीं तो भगवंत संत महंत श्रीमंत पैदा हो सके, यानी सच्चे श्रावक पैदा हो सके जो हमारी धर्म की परंपरा को आगे चला सके। तो आपको पता होगा पिताजी से सत्य तो कहा था, पिताजी को गंधुदक देने आई थी और पिताजी ने पूछा था बेटी मांग लो क्या बर, तो उसने कर्म सिद्धांत पर भरोसा था, श्रद्धांत था उसका कि जो कुछ मिलेगा मेरे भाग्य से मिलेगा, पिताजी आप तो अपना कर्तव्य पूरा करो, मुझे सुख दुख में सब में रहना आता है और आप कौन होते हैं, इतना ही तो कहा था पिताजी आप अपना कर्तव्य करें। पिताजी ने कहा था कर्तव्य क्या चीज होती है, मैं चाहूं जो तुझे बना सकता हूं। सुरसुंदरी ने वर मांगा है तू भी मांग ले, उसने कहा था कुलीन कल्याएं, कुनीन कल्याएं कभी अपने वर नहीं मानती हैं। और जो बच्चियों को पिता पर भरोसा होता है पिता जहां दे देगा वहां चली जाएंगी, उसके बाद अपना कर्तव्य निभाएंगी अपना धर्म निभाएंगी। तो मैना सुंदरी ने यही तो कहा था पिताजी आप जो चाहें करें, लेकिन पिता ने कहा था क्या बात है तू कहती तेरा कर्म, अरे मैं तेरे कर्म को बनाने वाला हूँ। उसने यही तो कहा था पिताजी मेरा भाग्य अच्छा नहीं होता, मैंने कर्म अच्छे नहीं किए होते, किसी भिखारी के यहाँ पैदा हो जाती तो आप मेरे लिए क्या करते। वो कहता अच्छा तू सोचती तेरे भाग्य से, तो मैं बताता हूँ भाग। और आज तक के इतिहास में कितनों ने दिए धोखे मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। एक बाप ऐसा हुआ जिस बेटी को जानबूझ के कोड़ी को ब्याह दे, क्योंकि कहते हैं कितना समझाया था मंत्रियों ने कि जरा सोचो विचारो तो कहेगी क्या तुम्हें दुनिया, कलंकित करके कुल अपने की क्यों सौभाग्य माते हो, कहां ये चांद पूनम सा कहां ये नर महाकुश्ती, कलंकित करके कुल अपने की क्यों सौभाग्य माते हो। अरे ऐसा मत करो, दया करो, थोड़ी सी अपनी बेटी है उसने क्या आपका अपमान कर दिया, सत्ती तो कहा था। पिता कहता है मैं बताता हूं कि क्या कर दूंगा, मैं क्या कर सकता हूं इसे जब एहसास होगा। और माँ बहन शादी के टाइम पछाड़े खा खा के रो रही है कि बेटा तेरे साथ बाप ने बहुत बुरा किया, लेकिन श्रद्धावान महिला थी मैना सुंदरी, कहती है नहीं नहीं ऐसा ही मेरा कर्म का उदय था, ऐसा ही निमित्त बनना था, चिंता मत करो यदि मेरी श्रद्धा होगी तो एक दिन यही कोढ़ी कामदेव हो जाएगा, क्योंकि आस्था से क्या नहीं हो जाता है, आपकी लौकिक आस्था से व्यापार चल जाते हैं, परिवार बन जाते हैं। परिवारों में क्या होता है आप अपनी बेटी दे आते हैं किसी के घर और एक दो दो चार लाख का सामान और लड़की के जाने के पहले दे आते हो, कोई लिखवा के लाते हो क्या, कोई आप लिखवा के लाते हो कि भाई इतना सामान तुमने लिया है लिखित में दो, क्या करते हो हाथ भी जोड़ते हो और सामान भी दे आते हो। लड़की तो 6 महीना बाद जाएगी, लेकिन फिर भी क्या है आपकी लौकिक में विश्वास है। लेकिन मैना सुंदरी ऐसा नहीं करती है, मैना सुंदरी कहती है मेरा भाग्य था जो कुछ पिताजी ने किया, और चली जाती है और कहती है कि मत दोष दो पिताजी का कोई दोष नहीं है। और अचानक विदा के टाइम बाप के भाव बदल जाते हैं और कहता है कि एक गलती तो हो गई कि तुझे मैंने ब्याह दिया, लेकिन अब जंगल में इसके साथ कहाँ जाएगी, मैं जाने नहीं दूंगा। तो वो क्या कहती है चमन की अब नहीं ख्वाहिश, चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसियां अपना, जहां मैं कायर पत्नी नहीं मैं धर्म पत्नी हूं, पति के सुख में परछाई की तरह पीछे रहना जानती हूं और पति के सुख में पीछे साथ में रहती हूं, लेकिन पति दुख में हो
तो आगे आगे कांटा चुनना भी जानती हूँ, और मैं पति के साथ रहूंगी, चली जाती है मैना, सोचना सेवा करती है। और गलित कुश्ता ऐसा था कि लग जाए, छुआछूत की बीमारी थी। और आप सबको पता है, सुनी साधु वचन हर सी मैना, नहीं झूठ होए मुनि के वैना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैना रानी। भगवान की आराधना और उपासना से जो विश्व और हलाहल रूप कर्म प्रकृतियां थी, वो बिल्कुल लता और दारू रूप हो जाती हैं, और जो महान कष्ट देने वाली थी वो अल्प कष्ट देकर झड़ जाती हैं। क्योंकि साइंस भी तो यही कहता है कि जब आप सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, अच्छे व्यक्ति के पास बैठते हैं, तो आपके जीवन की ऊर्जा आपको मिल जाती है। जब आप नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठते हैं, तो आपके वाइट सेल कम पड़ जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती उमा जैन जी, पुत्र श्री भरतेश जैन, श्रीमती मालिनी जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती निधि जैन, नानोता वाले, मंदाकिनी विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सरोज जैन जी सपरिवार, वड़तला यादगार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, श्री मुकेश जैन जी, श्रीमती पूनम जैन, मेहल जैन, प्रियल जैन, DSO कंपाउंड, कोर्ट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, श्री विवेक जैन जी, 604 मंटोबा, महागुण मॉडर्न, सेक्टर 78, नोएडा, स्वर्गीय श्रीमती मैना देवी पाटनी, तिनसुकिया, गुवाहाटी एवं कृष्णानगर, दिल्ली परिवार।